नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी आप सबके सामने हाजिर हूँ आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों से अपडेट करवाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहा, ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। कुल्लू की लघाटी के फलान में बादल फट गया। बादल फटने से 100 बीघा जमीन बह गई। इसी पंचायत के एक अन्य नाले में बाढ़ आने के बाद भूस्खलन के खतरे को देखते हुए 12 घरों को खाली करवा दिया गया। राज्य में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए वर्चुअल माध्यम से जुड़े और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रकोप से 17 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में बीते दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच हिमाचल पथ परिवहन निगम के 1007 रूट रद्द कर दी गई हैं। वहीं 452 बसें जगह जगह फंसी हुई हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग की कुल 4833 परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। सब्जी मंडी सोलन में टमाटर के बाद अब शिमला मिर्च किसानों को मालामाल कर रही है। सीजन की शुरुआत से शिमला मिर्च के दाम से किसानों को निराशा हाथ लगी थी। पहले शिमला मिर्च 10 से 25 और अब 75 से 91 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। हिमाचल में श्रीखंड की यात्रा सस्पेंड कर दी गई है। खराब मौसम को देखते हुए कुल्लू के डीसी ने जिले के आदेश जारी कर दिए हैं। अब इस साल अब श्रीखंड महादेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। श्रद्धालुओं को इसके लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से बने हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रदेश की हर संभव सहायता करने का भरोसा दिया। सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री को निजी एवं सरकारी संपत्ति और जानी नुकसान से अवगत करवाया। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लठियाणी बड़सर के बीच भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के चलते ऊना हमीरपुर हाईवे बाधित हो गया। इस संपर्क मार्ग के बाधित होने से हजारों लोगों और श्रद्धालुओं का असुविधा का उनको सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने मुख्य नेशनल हाईवे के ऊपर पड़े मलबे को उठाने का कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दिया। भारी बारिश का असर शिक्षण संस्थानों पर भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय हमीरपुर ने 10 और 11 जुलाई को प्रस्तावित बी फार्मेसी की काउंसलिंग जो है वो स्थगित कर दी। अब बी फार्मेसी के पहले चरण की काउंसलिंग तय शेड्यूल के दूसरे चरण में अगली तिथि को होगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में सोमवार सुबह एक कार 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 5वें शख्स ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ा। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी यानी चंद्रशेखर ने इसकी पुष्टि की है। सिरमौर में मानसून के चलते रोनहाट क्षेत्र में हालात बेहद खराब है। बीती रात कोलानी बस स्टैंड के समीप एक खड़ी गाड़ी अचानक हुए भारी भूस्खलन की चपेट में आ गई जिससे गाड़ी पर एक बड़ा पेड़ और भारी मलबा गिर गया। गनीमत ये रही कि जैसे भूस्खलन हुआ उस समय गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था। तो ये थी आज की तमाम खास खबरें और बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहे न्यूज सुपर भारत के साथ। न्यूज सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य स्टीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।